हेलो, जय माता दी। आज हम लोग दही चावल बनाते हैं। दही चावल मतलब कर्ड राइस। तो उसके लिए पहले हम तड़का डालते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इतना का काफ़ी होगा। फिर उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ये चावल है जो पहले से पका के रखे, और इसको अच्छे से मैश करेंगे। चावल को थोड़ा जैसे हम सामान्य चावल बनाते हैं उससे थोड़ा गाल देना अच्छे से, जो एकदम मैश हो जाए। और इसके लिए हमारे पास दही एक बड़ी कटोरी और एक गिलास दूध डाल देंगे, और ये एक चम्मच उड़द की दाल, एक चम्मच चना दाल, हींग है, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और अदरक, धनिया। इसको तीखा नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा ही बनाएंगे। पहले हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध इसलिए भी डाल दें कि खट्टा ना हो जाए। दही से क्या, कई बार दही खट्टी होती है तो बहुत खट्टा हो जाता है। इसको थोड़ा फीका बनाएंगे। दूध डाल दिया अच्छे से, करेंगे इसको मैश कर देंगे। इसमें हमें एक कटोरी बड़ी सी दही की डाल दी। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उतने में हम तड़का बना देंगे इसको। पहले थोड़ी थोड़ी धनिया डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं। और 2 मिर्ची ऐसे सूखी डाल देंगे, क्योंकि तीखा नहीं होना चाहिए। और ये हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। तो इसमें चना और उड़द की दाल एक एक चम्मच डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे इसको। फिर थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। एक चम्मच इसमें राई डाल देंगे, इसको थोड़ा अच्छे से होने देंगे हम लोग। जो ये राई भी चटक जाएगी और जो दाल है हमारी वो भी थोड़ी फ्राई होनी चाहिए। गैस बंद कर देंगे और इसको हम तड़का इसमें डाल देंगे। इसमें छोटा छोटा अदरक कटा वो भी डाल देंगे। फिर हमने इसके लिए गाजर थोड़ी सी, या गाजर ऐसे जीरा का तड़का लगा के पका के रखे, उसको भी हमें इसमें डाल देंगे। इसमें फल भी डाल सकते हैं, अनार वगैरह भी डाल सकते हैं, पर हम लोग ऐसे बना रहे। ये तैयार हुए हमारे कर्ड राइस। इसमें आधा दूध आधी दही डाल सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।